ही सकते थे कितनी बार की बात। कुल्लू शहर पहुंच गए हम। कुल्लू शहर अब पार कर रहे हैं, देखिए कुल्लू शहर बाईपास पार कर रहे हैं हम लोग। कुल्लू में थोड़ी सड़क खराब है, काम चल रहा है। देखिए कितना सुंदर कुल्लू का नदी बह रही है। मनाली में हम लोग एंट्री कर गए हैं। नमस्कार साथियों, अब हम लोग मनाली के माल रोड पर एंट्री कर रहे हैं। देखिए मनाली का माल रोड। ये मनाली की पार्किंग है, यहाँ पे आप पेड पार्किंग कर सकते हैं। देखिए मनाली की खूबसूरती को। अरे छोड़ भाई, हमें ना चाहिए थे। मनाली में काफ़ी भीड़ है, काफ़ी टूरिस्ट है यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, अब आज हम लोग मनाली में स्टे कर रहे हैं। मनाली में हम लोग ठहरे हुए हैं होटल न्यू कैनील ब्रथ।
होटल न्यू कैनिल ब्रथ, इसमें हम लोग ठहरे हुए हैं देखिए, और बहुत ही अच्छा होटल है। अभी हम लोग माल रोड जा रहे हैं, आपको माल रोड दिखाएंगे मनाली का। मनाली का माल रोड देखिए कितनी खूबसूरत, ये देवदार के पेड़ और ये माल रोड। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, टूरिस्ट बहुत आए हुए हैं। और वैसे 8 बजे माल रोड बंद हो जाता था, लेकिन अब शायद इसका टाइम बढ़ा दिया है। जो खाने के वो हैं रेस्टोरेंट वगैरह वो खुले हुए हैं, बाकी सब बंद है। खाने के रेस्टोरेंट सभी खुले हुए हैं। हाँ जी बताइए, क्या कह रहे हैं? मास्क हटा लीजिए, टाइमिंग 8 बजे का ही है और जो रेस्टोरेंट है वही खुले हुए हैं। बाकी के जो शोरूम्स वगैरह हैं कपड़ों के या किसी भी चीज़ के, वो बंद हो गए 8 बजे। खाने के शोरूम खुले हैं जी जी। भीड़ देखो आप, मजमा लगा हुआ है यहाँ पे, मेला लगा हुआ है जी जी जी। अगर पूरा खुला होता तो आपको बहुत कुछ दिखता, आप देख शोरूम बंद हो रहे हैं धीरे धीरे सारे। हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन मनाली, यहाँ से आप टैक्सी बुक कर सकते हैं। ये मनाली होटलर्स एसोसिएशन का दफ्तर है, SBI का। देखिए रेस्टोरेंट्स सारे खुले हुए हैं, आप रेस्टोरेंट्स में यहाँ पे खाना खा सकते हैं। ये एक आशापुरी रेस्टोरेंट है, आशापुरी रेस्टोरेंट। मनाली का माल रोड है आपको दिखा रहे हैं, देखिए मनाली का माल रोड, बहुत टूरिस्ट आया हुआ है यहाँ पर। आज 28 जून 2021, ये सत्यम प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और इधर आप चाट कॉर्नर है, चाट कॉर्नर है, चाट कॉर्नर, चाट कॉर्नर है, चाट कॉर्नर खा सकते हैं। ये हिमाचल टूरिज्म का होटल है, हिमाचल टूरिज्म का है। देखिए सुंदर सुंदर वादियाँ, मनाली के सुंदर सुंदर नज़ारे। मनाली का माल रोड आपको दिखाया, शहर दिखाया, अब हम आपको दिखा रहे हैं। पे सब ये चेरी वगैरह ही मिलती हैं, और भी कुछ है आपके पास? चेरी है, खुमानी है, आलू बुखारा है। चेरी, खुमानी, आलू बुखारा, देखिए आप यहाँ से चेरी, खुमारी, आलू बुखारा, बहुत सारी चीज़ें परचेज कर सकते हैं। देखिए पूरी मार्केट है ये, और इस मार्केट से आप ये सारी चीज़ें परचेज कर सकते हैं। कीवी, कीवी भी है क्या? कीवी सर अक्टूबर में आता है।
दिखाइए जरा आलू बुखारा दिखाइए इधर। बढ़िया बढ़िया से निकाल दो, टाइट वाला चीज होगा। अभी मनाली से तकरीबन 4-5 किलोमीटर आगे आकर के ये शॉप्स पड़ती हैं, जिसमें आप दुनिया भर के काफ़ी अच्छे अच्छे फ्रूट्स ले सकते हैं। कीवी हो गया, आलू बुखारा हो गया, और चेरी हो गई, और पूरी मार्केट है, ये पूरी मार्केट है जहाँ से आप फ्रूट्स परचेज कर सकते हैं। और ये क्या नाम है भाई आपका? नवीन नेगी सर। नवीन नेगी जी की शॉप है ये, जहाँ आपको आलू बुखारा मिलेगा, कीवी मिलेंगे, कई तरीके के जूस रखे हुए हैं, कीवी ड्रिंक्स भी है और अचार भी है, तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। बहुत सुंदर, ये पूरी मार्केट है दोस्तों। मनाली शहर से बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलते ही ये शॉप सारी आ जाती हैं, और यहाँ से आप सभी चीज़ें परचेज कर सकते हैं। सभी शॉप्स हैं और यहाँ से आप पूरा परचेज कर सकते हैं। फ्रूट्स जितने भी हैं, अच्छे अच्छे फ्रूट्स मिलते हैं और सस्ते फ्रूट्स मिलते हैं, तो आप सभी ये परचेज कर सकते हैं यहाँ से।